अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल पर गुजरने वाली एक दर्दनाक रात की, जिस रात पूरा इस्तांबुल आग के बेरहम शोलों में जलता रहा। और इस दर्दनाक रात का तारीख से क्या ताल्लुक है, इस पर भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बात है साल 1633 की। ये वो साल है जब सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान मुराद चारुम की हुकूमत थी, जो कि बहुत ही कम उम्र में यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने थे। सुल्तान मुराद चारुम का दौरे हुकूमत बहुत ही मुश्किलात से भरा पड़ा था। एक तरफ फौजी बगावत थी और दूसरी तरफ सल्तनत के अंदरूनी मसाइल। मगर साल 1633 की एक रात तो शायद सुल्तान मुराद चारुम के दौरे हुकूमत की सबसे दर्दनाक रात थी। रात के वक्त एक शख्स समंदर में एक छोटी सी कश्ती में नशे की हालत में सो गया। उसके मुंह में एक स्मोकिंग पाइप था जो कि जल रहा था, और वो शख्स नशे की हालत में कश्ती समेत किनारे पर आ गया और उसके मुंह में मौजूद पाइप जमीन पर गिर गया। उस जगह आयल के बड़े बड़े बहरी जहाज खड़े होते थे। पाइप के जमीन पर घिरते ही आग लग गई और समंदर के किनारे भगदड़ मच गई, और देखते ही देखते उस आग ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों से निकलकर भागने लगे। सूरत हाल संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। सुल्तान मुराद चारुम खुद आग लगने वाली जगह पहुंचे, सिपाहियों के साथ मिलकर हालात पर काबू पाया, मगर जब तक आग बुझी तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। बहुत से लोग आग की लपेट में आ गए थे। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये बहुत ही तकलीफ देह वक्त था। सुल्तान मुराद चारुम ने फौरन ही हालात को बेहतर किया, घरों की तामीर फौरन करवाई और फिर एक तारीखी फैसला लिया। सुल्तान मुराद ने अपनी पूरी सल्तनत से फौरी तौर पर शराब और नशा आवर अशिया पर पाबंदी लगाई और लोगों को सख्ती से मना किया कि आइंदा कोई भी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। सल्तनत की हदूद में मौजूद मेखाने और कावा खाने तक बंद कराने का हुक्म दिया, क्योंकि कावा खाने में लोग रात देर तक लुत्फानंदोज होते थे और बादशाह और हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत बातें किया करते थे। मगर कुछ वक्त के बाद सुल्तान मुराद ने महसूस किया कि सिर्फ फरमान जारी करने का कोई फायदा नहीं हुआ है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में नजर आया या फिर कोई कहवा खाना तक खुला नजर आया तो बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त सजाएं दी जाएंगी, जिसमें मौत की सजा भी शामिल थी। अब कोई भी शख्स अपने होशो हवास से बेगाना नजर आता तो फौरन ही सिपाही उसे कत्ल कर देते। इसी वक्त सल्तनत में बहुत से लोग मारे गए, कावा खाने भी बंद किए गए और खिलाफ वर्दी पर कावा खाने में मौजूद लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। इस इकदाम की वजह से लोग सुल्तान मुराद चारुम को नापसंद करने लग गए थे और इन्हें जालिम सुल्तान कहा करते थे, जो मामूली सी गलती पर रियाया को कत्ल करवा देता था। लोग कहते थे कि सारी शराब सुल्तान मुराद खुद ही इस्तेमाल कर लिया करता है, इसी वजह से रियाया पर यह जुल्म किया जाता है। मगर सुल्तान मुराद चारुम सिर्फ ये चाहते थे कि किसी तरह सल्तनत से ये नशा आवर अशिया का इस्तेमाल खत्म हो जाए, ताकि फिर कोई बड़ा नुकसान ना हो। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।